आइए हम लोग वचन देखने के लिए जा रहे हैं, हम लोग वही वचन देखेंगे। मैथ्यू का लिखा हुआ सुसमाचार का 21 अध्याय, मैथ्यू 21, और हम लोग 6 से 11 पद तक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उन्हें निर्देश दिया था वैसा ही किया। उन्होंने गधी और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने वस्त्र डाले और वह सवार हो गया। भीड़ में से बहुतों ने अपने वस्त्र मार्ग में बिछाए और दूसरों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ उसके आगे जा रही थी और वे भी जो उसके पीछे चले जाते थे पुकार पुकार कर कह रहे थे, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, सर्वोच्च स्थान में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और सब कहने लगे, यह कौन है? और भीड़ के लोग कह रहे थे, यह गलील के नसरत का नबी यीशु है। हालेलुया। सिस्टर थैंक यू, वचन आप पढ़ा है। और आज का संडे होता है, इंग्लिश में बोलता पाम संडे, पूरा वर्ल्ड में पाम संडे मनाता है, पूरा वर्ल्ड में क्रिश्चियन लोग आनंद करता है। आज का दिन में कोई चर्च में आज दुख से या चुपचाप से कोई नहीं रह सकता है। जो चर्च में आवाज नहीं करता है वो चर्च में भी आज आवाज करता है, ताल पत्ता लेके हिलाता है, क्योंकि आज खुशी का दिन है। आज शाम को बैप्टिस्ट चर्च खुर्दा हम गया था, उधर बच्चे लोग ताल पत्ता लेके चर्च का चारों तरफ घूम रहा था। हालेलुया, खुशी मना रहे हैं क्योंकि आज का दिन में प्रभु का महिमा होने का दिन, प्रभु का गौरव करने का दिन, प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है। इसलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हम लोग भी ये बड़ा मंडली का अंदर में हम लोग एक छोटा भाग भी है, हम लोग भी खुशी मना सकते हैं। अभी ये वचन जो हम लोग पढ़ा है चारों गॉस्पल्स में ये लिखा है, मैथ्यू मार्क लूक जॉन, ये विषय के बारे में चार जन लिखा है। उसका मतलब ये कोई मुख्य विषय, कुछ इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए चारों लिखा है। और चारों लिखा है, इधर हम मैथ्यू से लिया है क्योंकि मैथ्यू का जो मसाला हमको दरकार है मैथ्यू अच्छे से दिया है। बोलता बड़ा भीड़ उनका साथ में था जब यीशु ये गधा पर बैठ के जेरूशलेम आखिरी समय के लिए आ रहे हैं, तो लिखा है कि बड़ा भीड़ था, बहुत ज्यादा लोग था। और जॉन बोलता है कि लाजर जिसको कब्र से उठाया वो भी था। तो अभी आप लोग सोच सकते हैं और कौन कौन था इतना बड़ा भीड़ में था। इतना बड़ा बड़ा भीड़ में ब्लाइंड मैन बातिमस हो सकता है उधर में, कुष्ठी रोगी लोग जो चंगे वो लोग भी है, लंगड़ा लोग जो नहीं चल सकता था अभी नाच नाच के जा रहे हैं, जो गुंगा था, जो बहरा था, जो बोलने नहीं सकता था, वो लोग अभी चिल्ला के होजाना चिल्ला रहे हैं क्योंकि इतना साल के बाद में वो लोग अभी बोल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, अभी दौड़ सकता है, कुष्ठी रोगी लोग दूसरा लोग के साथ अभी मिल सकता है। इसलिए बोलता बड़ा भीड़, और ये बड़ा भीड़ के अंदर में हम देखते हैं कि यीशु क्या कर रहा है। अपना शिष्यों को बताया एक गधा को लेके आना और वो गधा पर यीशु को बैठाया, और वो गधा पर यीशु बैठ के जेरूशलेम के अंदर में प्रवेश हो रहा है। और जब प्रवेश हो रहा है लिखा है कि ताल पत्ता, ताल गज का पत्ता, खजूरी पत्ता वो लोग लेके पूरा रोड के ऊपर में फेंक रहा था, डाल रहा था, ये जैसा ये गधा उसके ऊपर में चल के जा सकेगा। कोई कोई अपना कपड़ा भी निकाल के डाल रहा नीचे, जैसा वो गधा पर गधा चल सकेगा क्योंकि यीशु उस पर बैठा है। हालेलुया। और ये खुशी जो मना रहा है क्योंकि अभी प्रभु का महिमा होने का समय है। जब प्रभु का महिमा होने का समय आ जाता है उसको कोई रोकने नहीं सकता है। सारा सृष्टि की मालिक आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, और इसे वो लोग बड़ा जोर से चिल्ला रहे हैं, होजाना, दाऊद का संतान होजाना, धन्य हो जो प्रभु का नाम में आ रहा है, ऊंचा परमेश्वर का होजाना करके वो लोग चिल्ला रहे हैं। हालेलुया। और जैसा वो लोग जेरूशलेम का निकट हो रहा है तो लिखा है कि भीड़ पूरा बढ़ते गया, और भी लोग शामिल हो रहा था, और भी लोग मिलके वो लोग भी सब चिल्लाने लगा, और कोई कोई बोल रहा था उनको थोड़ा चुपचाप करा दो, इतना हल्ला कर रहा है।
तो यीशु बोला अगर ये लोग चुपचाप होगा तो पत्थर शुरू कर देगा चिल्लाना। अगर चर्च के अंदर में आप मुंह बंद करके रखेगा, एक दिन आएगा आपका चेयर चिल्लाना शुरू कर देगा, आपका चेयर प्रभु का प्रशंसा करेंगे। क्योंकि जब प्रभु का प्रशंसा का समय आता है उसको कोई रोकने नहीं सकता है। तो अभी हम लोग देखते हैं बड़ा जोर से जुलूस आ रहा है और सब आवाज करके आ रहा है, स्तुति करके आ रहा है, और उसमें अनेक जन अनेक प्रकार का मन था, और कोई कोई बोलता है ये कौन है, ये कौन है, और ये करोड़ रुपया का प्रश्न है। करोड़ रुपया का प्रश्न आपके लिए और हमारा है कि यीशु कौन है, आपके लिए वो कौन है, वो क्या है। हालेलुया, हम लोग गाता है सारा सृष्टि की मालिक है, और भजन संगीत का 24 में लिखा है ये पृथ्वी और इसमें जो कुछ है उन्हीं का है। हालेलुया, तो ये सारा सृष्टि की मालिक है, सब कुछ है वो, तो आपके लिए वो क्या है। इधर बोलता है हु इज दिस, कौन है ये, कौन है। अनेक प्रकार का लोग अनेक प्रकार का बात बोलता है। वो अंधा बोल रहा था हम नहीं जानता वो कौन है। योहन्ना का 9 में एक वचन छोड़ा था, वो अंधा बोलता है वो पापी है ना, ये है ना वो है, हम नहीं जानता है। एक बात हम जानता है, हम अंधा था अभी हम देख सकता है। तो वो अंधा व्यक्ति के लिए वो आश्चर्य काम करने वाला भविष्यत भक्त है। हालेलुया, वो लंगड़ा के लिए कौन है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया, और कुष्ठी रोगी के लिए कौन है, वो भी डॉक्टर उनके लिए है। हालेलुया, तो इसलिए कुष्ठी रोगी के लिए एक प्रकार का लेप्रसी डॉक्टर है, अंधा के लिए आई डॉक्टर है, लंगड़ा के लिए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, ऐसे सब प्रकार का डॉक्टर यीशु है उसी व्यक्ति के लिए। आज यीशु आपके लिए क्या है, आपका कौन है, और ये प्रश्न का जवाब हम लोग सबको देना पड़ेगा कि जिस तरह यीशु हमारा है, यीशु जो भी हमारा है उसी तरह हमारा रिश्ता होता है यीशु के साथ। हमारा रिश्ता जब वो हमारा मालिक है, वो हमारा मुक्तिदाता है, तो हमारा पाप माफ हो जाता है। जब वो हमारा डॉक्टर है हमारा हीलिंग होता है। जब वो हमारे लिए क्रूस पर मर के अपना जान दिया हमारा बंधन तोड़ने के लिए, हम जब विश्वास करता है तो हमारा बंधन भी टूट जाता है। तो आज यीशु आपके लिए क्या है, आपके लिए कौन है। हालेलुया, तो भिन्न भिन्न प्रकार लोग भिन्न भिन्न प्रकार का बात कर रहा है। तो कोई कोई बोलता है वो दाऊद का संतान है, कोई कोई बोलता है वो राजाओं का राजा है, कोई कोई बोलता वो माने धोखाबाज है, कितना प्रकार का। तो हमारा किताब में क्या लिखा है, हम वचन दे रहा करके हम आपको बता रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि यीशु का शिष्य लोग अनपढ़ था, प्राय अनपढ़ था, मछली पकड़ने वाला था, लेकिन सब ऐसा नहीं था। मैथ्यू से चार्टर अकाउंटेंट था, ओपरा हिसाब किताब में बहुत फर्स्ट क्लास था। कितना जन जानता कि जूडस भी रुपया गिनने में फर्स्ट क्लास था, ये लोग पढ़ा लिखा था इसलिए रुपया का हिसाब किताब रख सकता है। तो इसलिए मैथ्यू बोला, हमको थोड़ा याद आ रहा है, हम वचन बोल रहा करके हम आपको बता रहा है। मैथ्यू बोला हमको याद आ रहा है जकरिया का किताब में लिखा है, जकरिया का 9:9 में क्या लिखा है, उस टाइम में 9 ये सब पद नहीं था, लेकिन जकरिया का किताब में लिखा है जो 5 पद में लिखा है, वो तो सियोन का बेटी लोग को बताओ कि देखो तुम्हारा राजा आ रहा है, तुम्हारा पास तुम्हारा राजा आ रहा है, नम्र होके एक गधा पर बैठा है, और देखो वो नम्र होके तुम्हारा पास आ रहा है। सियोन का बेटी लोग आनंद करो, माने जेरूसलम का बेटी लोग आनंद करो, तुम्हारा राजा आ रहा है आपका पास। तो मैथ्यू क्या बोल रहे हैं कि यीशु एक राजा है, तो जेरूसलम के अंदर में राजा प्रवेश कर रहा करके मैथ्यू उनको शायद दूसरा शिष्य लोग को बताता था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, वो बाइबल पढ़ा है, और बाइबल का जानकारी जरूर उसका होगा, जूडस का भी थोड़ा होगा। और इसीलिए वो लोग जब बातचीत कर रहा था कि मैथ्यू बोला वो राजा है, उसका बारे में लिखा है, और जेरूसलम को गधा पर बैठ के आएगा अपना आपको नंबर दिखा के। हालेलुया, तो जेम्स और जॉन क्या बोला रहेगा, वो राजा है, वेरी गुड। हालेलुया, तो जेम्स और जॉन क्या बोल रहे हैं, प्रभु
हम लोग एक तरफ इधर बैठेगा एक उधर बैठेगा। हालेलुया। जब वो राजा है तो जॉन इस तरफ बैठने चाहता है और बाया तरफ जेम्स को बैठाया करके उनका माँ का इच्छा था, क्योंकि राजा हम लोग को पोजिशन दरकार है हमेशा। अगर राजा है इधर उधर बैठेगा, जब क्रूस कपर जा रहा है तो सब भाग जाता है, कोई उधर पास में नहीं रहने चाहता है। जब अच्छा दिन है राज का गद्दी में बैठेगा, राज्य करता रहेगा और राजा का जैसा रहता रहेगा, वो पूरा एक दाया एक बाया तरह बैठने चाहता है। हालेलुया। तो वो जेम्स और जॉन उसी तरह सोचा रहेगा, लेकिन उसका अंदर में एक बहुत चालाक व्यक्ति था। ये हमारा स्टोरी है, मैथ्यू लिखा है करके हम बोलता मैथ्यू बोला है। तो और एक अकाउंटेंट जो था उसका नाम जूडस है, बोला हाँ राजा है, राजा है, तब उसका कीमत ज्यादा रहेगा, राजा का कीमत हमको 10 चांदी का टुकड़ा बोला देगा करके। वो महाजाजक बोला 10 चांदी का टुकड़ा देगा, लेकिन ये राजा है इसका भाव ज्यादा होगा, हमको और थोड़ा जाके उनका साथ में बार्गेनिंग करना पड़ेगा। तो जूडस का मन में क्या है, व्यापार आ गया। हम जब राजा के लिए हमको जब बेचना है राजा को, तो हमको रकम अच्छा मिलेगा। हम जाके 50 चांदी का टुकड़ा जाके मांगेगा करके जूडस का मन में आ गया, व्यापार आ गया। जेम्स और जॉन का माइंड में आया क्या है, मिनिस्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, यीशु का दोनों तरफ में बैठ के राज्य करता रहेगा। हालेलुया। तो आप क्या बनने चाहता है, यीशु अगर राजा है, यीशु बोला है एफिशिएंस का पुस्तक 1 अध्याय में यीशु बताया, जब तुम विजय होगा ये जगत पर, जब तुम्हारा विजय होगा हमारा साथ में हमारा सिंहासन में बैठने के लिए हम आपको बैठाएगा, हमारा साथ में हमारा सिंहासन में आपको हम बैठाएगा। यीशु वादा किया है, हमको कुछ करना दरकार नहीं है, हमारा काम जब हम सिर्फ करता है तो यीशु हमको बैठाएगा। उसका चेयर लेने के लिए, उसका साथ बैठने के लिए हमारा सोचना, हमारा चाहना, हमारा खोजना दूर का बात है। हालेलुया। जूडस जब बेचने का आइडिया आया, व्यापार का आइडिया आया, तो जरूर उधर जाके जेरूसलम में जब पहुंच गया, वो बहुत तंदरा हो रहा था जेरूसलम जल्दी जाने के लिए, क्योंकि सीधा जाजक लोग के पास में जाके 10 चांदी टुकड़ा से नहीं होगा, मालिक राजा है, राजा का कीमत क्या, 10 चांदी टुकड़ा 50 नहीं देने से नहीं होगा। वो लोग बोला रहे 20 देगा 25 देगा, लास्ट में 30 चांदी टुकड़ा के लिए वो लोग रेडी हो गया। हालेलुया। तो इसी तरह हम लोग सोचता रहता अपना मन में, कोई व्यापार के लिए, कोई पोजीशन के लिए, कोई यीशु के साथ चलने के लिए, उनका इच्छा पूरा करने के लिए। तो ये पाम संडे के दिन में अनेक जन का मन सेटिंग हो गया, इस पर जाना ना उस पर जाना। हालेलुया। आप जानते हैं सब मिनिस्टर लोग भाग गया जब यीशु को क्रूस पर जाना पड़ा, खाली योहन्ना उधर था। प्रभु को धन्यवाद, योहन्ना का इच्छा पूरा हुआ, यीशु का दाहिना हाथ का तरफ में वो खड़ा हो सका, क्योंकि यीशु जब क्रूस पर था योहन्ना उधर था। हालेलुया। तो हम आपको क्या बताना चाहता है, जब यीशु अपने आप को नम्र करके गधा पर बैठ के जेरूसलम आ रहा था आखिरी समय के लिए, यीशु क्या मैसेज दे रहा था, हम लोग को क्या संदेश दे रहा था, वो हम लोग को क्या बात सिखा रहा था, वो सिखा रहा था वो कितना नम्र है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारा सृष्टि की मालिक एक घोड़ा पर बैठ के आ सकता था, एक रथ में बैठ के आ सकता था, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक गधा के ऊपर में बैठ के आ रहा है। इसलिए जकरिया बोला, 800 साल आगे जकरिया ने भविष्यवाणी किया और बोलो अपना आपको नम्र करके गधा के ऊपर में बैठ के, राजा होने पर भी वो अपना नगर में आएंगे अपना आपको नम्र करके। हालेलुया। और इसलिए यीशु बोला जो अपना आपको नम्र करता है उसको प्रभु ठीक टाइम में उठाएगा। हालेलुया। इसलिए बोलता धन्य हो नम्र व्यक्ति, उन्हीं का स्वर्गीय राज है, स्वर्ग राज उन्हीं का है। ये मैसेज यीशु ये पाम संडे का दिन में मंडली को दे रहा है, जब हम अपना आपको घटाता है तो प्रभु हमको उठाता है। तो प्रभु ये संदेश दे रहे हैं गधा पर आके। हालेलुया। हम लोग देखते हैं जब यीशु ये जगत पर आना था,
वो इतना ऊंचा पोजीशन से अपना आप को घटा के इतना नीचे तक आया। हालेलुया। हम लोग जानते जब यीशु का जन्म हुआ उनका माँ लेके गौशाला में लेके उसको जन्म दिया। हेलो, कितना जन इधर जो हमारा कैमरा का सामने है गौशाला में जन्म हुआ? कौन इधर गौशाला में जन्म हुआ? हम लोग क्या चाहता है, गवर्नमेंट मेडिकल में ठीक से नहीं देखता, गंदा है, नर्सिंग होम जाएगा, नर्सिंग होम में जाके बेबी का जन्म होना है। हालेलुया। हम लोग को सब पूरा ठाट करके सब रहना है, सब अच्छा रहना है, सब फिट फाट रहना है, क्योंकि पैसा है। डालो, यीशु के पास शायद पैसा नहीं था नर्सिंग होम के लिए, होटल के लिए, यीशु के साथ शायद पैसा नहीं था, गाय का घर में उसको जाके जन्म लेना पड़ा। और उसके बाद देखता यीशु का उसके बारे में क्या लिखा है। यीशु इधर उधर बहुत हो रहा था। हम बैठ के कल सोच रहा था, आज सुबह प्रार्थना में भी जब बैठा हम सोच रहा था, यीशु इधर से उधर, उधर से उधर, क्या उसका सूटकेस कौन पकड़ के जा रहा था, उसका हैंडबैग किसका साथ में था, उसका सूटकेस किधर था। हम लोग दो दिन के लिए किधर जाने से इतना बड़ा बक्सा लेके जाता है, इतना कपड़ा लेके जाता है, गर्म का कपड़ा, ठंडा का कपड़ा, ये कपड़ा, वो कपड़ा, टावल, ये वो, इतना बड़ा सूटकेस लेके जाता है दो दिन के लिए। यीशु इतना चक्कर मार रहा है, उसका सूटकेस किसके पास है पता नहीं, यीशु का क्या सामान था पता नहीं, टावल किधर था पता नहीं। जो जगह यीशु था उधर बहुत गर्मी है, गर्मी होने से बहुत गर्मी, ठंडी होने से बहुत ठंडी भी होता है। तो यीशु का ब्लैंकेट किधर से आता था, चद्दर किधर से आता था, हम लोग का तकिया नहीं होने से सोना नहीं होता है, ज्यादा गर्म होने से एसी नहीं होने से सोने नहीं सकता है, लेकिन यीशु का कुछ नहीं था। राजाओं का ये कैसा राजा, राजा बोलता है उनके पास एसी नहीं है, राजा बोलता है ब्लैंकेट नहीं है, राजा बोलता है घर नहीं है, राजा बोलता है कुछ नहीं उसके पास में। ये कौन से राजा है, ये कैसा राजा है? यीशु वही संदेश हम लोग को दे रहा है, वो कैसा राजा है, वो ऐसा राजा हम लोग को भी बनाने चाहता है। जब हम अपने आप को घटाता है, ये जगत का चीजों को लिपट के नहीं रहता है, इसको पकड़ के उसको पकड़ के जब हम नहीं रहता है, तो प्रभु हमारे लिए उधर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग का दो चक्किया जब होता है तो संतोष नहीं होता है, चार चक्का दरकार है। चार चक्का होने से संतोष नहीं होता है, हेलीकॉप्टर दरकार है। जब बिल्डिंग होने से खुश नहीं है, दो तला होना है, दो तला से तीन तला होना है। लेकिन यीशु का क्या था, एक जवान लड़का, एक जवान धनी व्यक्ति आया यीशु के पास में, बोले प्रभु आप किधर रहता है? वो बोलता है लोमड़ी का खड्डा है रहने के लिए और चिड़िया का घोंसला है रहने के लिए, चिड़िया का घोंसला है और ये लोमड़ी का खड्डा है, लेकिन मनुष्य का पुत्र को सिर रखने के लिए जगह नहीं है। अरे मालिक, इधर राजा बोलता है, राजा है, मालिक है, बोलता सब सोना चांदी हमारा है, हम जिसको इच्छा हम दे सकता है, इतना है, तकिया नहीं है, सर रखने के लिए तकिया नहीं है, उसका कपड़ा चेंज करने के लिए था कि नहीं हमको मालूम नहीं है, क्योंकि जब वो क्रूस के पास गया था वो एक ही टुकड़ा कपड़ा, उसको भी चार जन उसको टुकड़ा करके भाग लेने के लिए चाहता था। ये होता है यीशु कितना धनवान था, राजाओं का राजा है, सारा सृष्टि की मालिक है, लेकिन एक टावल भी उसके पास नहीं है। हालेलुया। हम यही बात सोच रहा था, प्रभु का सूटकेस कौन पकड़ के जा रहा था, यीशु का ब्लैंकेट कौन उठा के जा रहा था, उनका खाना पीना का ठिकाना नहीं, उनका रहने का ठिकाना नहीं, क्या क्या बात पता नहीं। अनेक बार बाइबल में लिखा है वो पहाड़ के ऊपर में जाके सोया था, पहाड़ के ऊपर में वो चले गया था उधर सोने के लिए, तो बोलता है प्रार्थना करने के लिए गया था, अपना डैडी के साथ बात करने के लिए। यीशु का यही धन था, और जब क्रूस पर गया था ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, उसका बंधु लोग झगड़ा नहीं करेगा घर के लिए, जमीन के लिए कोई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। मेरी और हम भी वैसे ही बात करता है, अच्छा है कि हम लोग का घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि जाने के बाद में टाना टानी होगा, हमको ये दो, हमको वो दो, हमको वो दो, तो हम लोग का नहीं है। प्रभु को धन्यवाद, और जो कुछ है प्रभु का राज के लिए छोड़ देता है। हालेलुया।
तो यीशु का वही मैसेज था, ये जगत का चीज में वो धनवान नहीं था, गरीब था, लेकिन स्वर्गीय चीज में वो बहुत धनवान था। हालेलुया। लेकिन हम लोग ठीक उल्टा रहता है, हम लोग ठीक उल्टा काम करते हैं, हर चीज उल्टा है। इधर में जमा करता रहेगा, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। हम लोग अलमारी खोलने से कपड़ा निकल के गिर जाता है, लेकिन यीशु का कुछ नहीं है, सूटकेस भी नहीं है, लेकिन चारों तरफ घूमते जा रहे हैं। और यही मैसेज यीशु ने दिया है कि हमारा लोगों हमारा तरफ नम्र होना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु वही मैसेज दे रहा था, जब यीशु क्रूस पर गया और कुछ बांटने के लिए नहीं था, उसका माँ खाली था और वो शिष्य को देके चले गया, आराम से चले गया, खाली माँ था। हालेलुया। वो देके चले गया आराम से। वो जब मर गया तो कब्रिस्तान का मेंबर भी नहीं था। हेलो, कोई सुन रहा है हमारा? हाँ, अभी आपको खुश लग रहा है नहीं? कब्रिस्तान का मेंबरशिप भी नहीं था यीशु का। हम कुछ बताया आपको, आप लोग का नाम लिखा है मेंबरशिप का, हम लिख दिया आप लोग का नाम, लेकिन उनका मेंबरशिप नहीं था। तो आरमतिया, जोसेफ आरमतिया बोला ठीक है बेचारा, उसका पास में कुछ नहीं है, हमारा कब्र है, वो हमारा कब्र में उसको दफन कर सकता है। हालेलुया। ये होता है यीशु, ये होता है आपका प्रभु और ये होता हमारा प्रभु। इसी का पीछे हम लोग जा रहे हैं। यीशु बोला हमारा पीछे चलो। कैसा पीछे चलो? पीछे चलो मतलब हमारा नकल करो। अगर हम लोग प्रभु का नकल करता, हम लोग इतना समस्या हम लोग का नहीं होता है। वो इसलिए बोलता चिड़िया को देखो, इसलिए बोलता इसको देखो, उसको देखो, फूल को देखो, घास को देखो। हम लोग घास को फूल को देखेगा? अरे बारे, हम लोग बिल्डिंग और कार को देखता है, हम लोग बैंक बैलेंस को देखता है, हम लोग इसको देखता है, उसको देखता है। यीशु बोलता है फूल को देखो। अरे वो फूल को कौन देखता है, घास को कौन देखता है? हालेलुया। ये लोभी मन, वो छोटा चीज देखने से नहीं होगा, बड़ा चीज दरकार। हालेलुया। और जाने का टाइम है, सब छोड़ के जाता है, सब छोड़ के जाता है। इतना लोभ करता है, इतना जमा करता है। अरे वो इतना फर्नीचर क्यों रखा है, उसको दे दो, उसको दे दो। नहीं नहीं, दरकार होता है, दरकार होता है। इधर एक बेड में सोने से नहीं होता है, नहीं नहीं, हाँ कुनिया लोग आने से वो बेड में सोएगा। और फोल्डिंग बेड भी दरकार है, ये भी दरकार है, वो भी दरकार। सामान जमा करो, जमा कर करके कर करके जाने का टाइम है, दूसरा को बांटने के लिए हैरान में डाल देता है, किसको क्या देगा, टाना टानी होगा। हालेलुया। तो प्रभु हम लोग को दिखाता है, उसका पास कुछ नहीं था, ऐसे आया और ऐसे चले गया। हम लोग सिर्फ कब्रिस्तान का जो गेट जो है ना, जब हम लोग जाता किसको दफन करने के लिए, वो कब्रिस्तान का गेट का पास जब अंदर जाता है, तो कुछ कुछ लोग, क्रिश्चियन भाई लोग, क्रिश्चियन बहन लोग का बात आपको सुनना है, क्या करेगा, हम लोग कुछ लेके नहीं आया, कुछ लेके नहीं जाएगा, खाली हाथ में आया, खाली हाथ में जाएगा, माने वो गेट का अंदर में गया ना कब्रिस्तान का, तो इसीलिए खाली आया, खाली गया। वो व्यक्ति जब घर वापस आता है, हमारा गमछा कौन लिया, वो गमछा के लिए झगड़ा, हमारा घर का ईटा कौन ले लिया, हमारा ये कौन ले लिया, सांगे सांग कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया, खाली वो गेट का अंदर में, अभी गेट का बाहर में, फिर जैसा का जैसा। तो ये होता क्रिश्चियन। हालेलुया। हमारा प्रभु सिखाता है कि हम लोग उनका बच्चों लोग है, कि हम लोग को धनवान बनाएगा, उठाएगा। पूरा पृथ्वी में तीन भाग में एक भाग क्रिश्चियन है, पृथ्वी में तीन भाग में एक भाग क्रिश्चियन है, और वो एक भाग क्रिश्चियन का पास में 65% धन क्रिश्चियन लोग का पास में। हम लोग बहुत धनवान है। हालेलुया। हमारा डैडी जो राजाओं का राजा है, वो हम लोग को देता रहता है। हालेलुया। वो देता रहता है, हम लोग का कोई अभाव नहीं है, कमी नहीं है। 65% जगत का धन 1/3 पीपल लोगों का पास, क्रिश्चियन लोग का पास में है। इसलिए हम लोग आश्रम कर सकता है, अनाथ लोग को दे सकता है, लेप्रसी कॉलोनी कर सकता है, बुढ़ा बुढ़ी लोग को संभाल सकता है, हम लोग सब कर सकता है, सुसमाचार प्रचार कर सकता है, क्योंकि प्रभु हम लोग को धन दिया है। हालेलुया। इसलिए हम लोग हाथ खोल सकता है,
खोल के हम लोग प्रभु का सेवा कर सकते हैं। हमारा प्रभु धनवान है और हम लोग को धनवान बनाया है। तो मैसेज प्रभु क्या दे रहे हैं कि हम जैसा है ऐसा जीने के लिए सीखो, ऐसा जीने के लिए कोशिश करो, तो आपका अभाव नहीं होगा। जब हमारा मांग ज्यादा होता है हमारा दुख ज्यादा होता है, हमारा डिमांड जो है, हमारा डिमांड जो जब कमती होता है तो हमारा दुख कमती होता है। थोड़ा समझ लेगा, समझ सकता है। हमारा डिमांड ज्यादा है सामान के लिए, ये चीज के लिए, वो चीज के लिए, तो हमारा दुख भी ज्यादा होता है। जब हमारा डिमांड कमती है तो हमारा दुख भी कम होगा। तो कम से जीने के लिए आदत करो। प्रभु हम लोग के लिए उधर रखा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। यही प्रभु हम लोग को बता रहा था। अब प्रभु बोलता है जॉन का 3:14-15 पद में, इधर यीशु बात कर रहा निकोडिमस के साथ में। अब बोलता जैसा मौसा ने वो लाठी पर वो पीतल सांप को उठाया, उसी तरह मनुष्य पुत्र को भी उठा जाएगा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो विनाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। जिस तरह मौसा ने वो पीतल सांप को उठाया, ये भी एक प्रभु का नम्रता का बारे में लिखा है। आप जानता है पीतल सांप क्यों बनाया? एक टाइगर बनाता था मौसा, एक टाइगर बना के वो लाठी के ऊपर में खड़ा कर दो, एक सिंगो बनाया कर दो उधर खड़ा कर दो, नहीं, एक सांप बनाओ और वो भी पीतल का सांप डाल के वो लाठी के ऊपर में खड़ा कर दो। जिसको सांप जाके काटेगा वो अगर वो सांप को देखेगा, पीतल का सांप को देखेगा, उसको वो मरेगा नहीं, वो बच जाएगा। यीशु इधर भी क्या दिखाता है? आप जानते हैं सबसे नीच जानवर होता है सांप। सांप सबसे नीच जानवर है, वो अपना पेट के ऊपर में चलता है, उस पर अभिशाप है। परमेश्वर ने ईदन बगान में सांप पर अभिशाप डाला है, इसीलिए जब सांप पर अभिशाप डाला है यीशु सांप बन गया हमारा जैसा अभिशाप लेने के लिए। आपका अभिशाप, हमारा अभिशाप को लेने के लिए यीशु को सांप का जैसा बनना पड़ा। इतना अपना आपको घटा दिया। वो क्रूस पर यीशु का चिन्ह में और कुछ डालता था लेकिन सांप डाला। सांप का मतलब होता है सबसे नीच, उससे नीचे और जानवर कुछ नहीं है। वो पेट के ऊपर में चलता है और परमेश्वर का अभिशाप सांप के ऊपर में है। तो यीशु अपना ऊपर में आपका और हमारा अभिशाप ले रहा था। वो जब आपका और हमारा अभिशाप ले लिया, वो सांप का रूप का जैसा काम कर रहा था। हालेलुया, यीशु पाप नहीं किया। हेलो, यीशु पाप नहीं किया। आप पाप किया, हम पाप किया, लेकिन यीशु आपका पाप और हमारा पाप लेने के लिए अपना आप को पूरा घटा दिया। वो इतना अपना को घटा दिया जैसा हमको उठा के उनका लेवल में जा सका। एक प्रभु का दास बहुत अच्छा बात बता रहा था, जब हम उनका लेवल में नहीं जा सका वो हमारे लेवल में आ गया। आप लोग समझ सकते हैं, परमेश्वर यीशु इतना ऊंचा है और हम इधर नीचे है। हम जब ऊपर नहीं जा सका तो यीशु नीचे आया, हमारा लेवल में आया, हमारा समान हो गया, हमसे भी नीचे हो गया, जैसा वो हमको उठा के फिर उनका वो जगह में लेके जा सका।